मशकारा खबर झज्जर से। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता फुकर ने सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पर्दे में खुले में दरबार लगाए जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विरोध में तीखी प्रतिक्रिया दी है। फुकर ने सीधे तौर पर कहा कि पर्दे में तो महिलाएं रहती हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन पहली बार किसी मुख्यमंत्री को पर्दे में खुला दरबार लगाते हुए देखा गया है। फुकर सोमवार को झज्जर में अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से सवालों का जवाब दे रही थी। इसी दौरान फुकर ने मुख्यमंत्री जी के सवाल पूछते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री जी अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं? अगर मुख्यमंत्री ऐसा समझते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री राजा महाराजा नहीं बल्कि जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। फुकर ने कहा कि मुख्यमंत्री को खुले दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुननी चाहिए, ना कि उनसे मुंह छुपाना चाहिए। जनता से छिपने की बजाय जनता के सामने आए मुख्यमंत्री। जजेस सैटेलाइट इंडिया के लिए सुमित कुमार की स्पेशल रिपोर्ट।